अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुनैरा तारिक और आप देख सकते हैं कि मैं घूम रही हूँ कहीं पार्क साइड पे। एक्चुअली मैं पिछले 3-4 दिन से काफ़ी बीमार थी, तो बीमार होने की वजह से जो है मैं बिल्कुल घर में काफ़ी मतलब मेरा कहीं आने जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैं कोई व्लॉग भी शूट नहीं कर सकी इसी वजह से। तो आज मैंने डिसाइड किया कि कहीं बाहर जाना चाहिए। तो ये आप मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं, यानी ये जो है वो सेक्रेटेरिएट वाली साइट है इस्लामाबाद में। तो यहाँ पे मैं जो है वो मतलब आज आई तो एक छोटे से काम से थी, और लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे थोड़ा सा कुछ व्लॉग भी शूट करना चाहिए, थोड़ा सा आउटिंग भी करनी चाहिए। आउटिंग से मुराद ये कि पार्क में वॉक करनी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और ये आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है, और इसके बिल्कुल सामने ये जो है ये पार्क है जिसमें मैं घूमने के लिए आई हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इस पार्क में इस तरह से झूले लगे हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं प्यारे प्यारे, और ये वॉकिंग ट्रेल है जिस पे लोग सुबह के टाइम वॉक करते हैं, और मैं तो ये दोपहर के टाइम करूँगी। वैसे बादल आए हुए हैं तो ये भी सुबह का टाइम लग रहा है, लेकिन है ये दोपहर का टाइम, तकरीबन दोपहर 2 बजे का टाइम। मैंने सोचा कि अब पार्क में आई तो हूँ, कुछ वॉक करती हूँ, साथ साथ मैं बोल रही थी, बातें कर रही थी, और साथ जो मेरी फ्रेंड थी वो मेरी वीडियो मतलब बना रही थी, मेरे से बातें कर रही और साथ साथ मतलब थोड़ी वॉक कर रही थी। जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा वॉक की थी, और मैं कुछ मतलब व्लॉग में बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूँकि माइक मेरे पास नहीं था तो बिल्कुल अच्छी आवाज़ नहीं आई, तो मैंने इसका वॉइस ओवर कर लिया है। तो मतलब बहुत अच्छा मौसम जो था वो मुझे लग रहा था, और है हालांकि सर्दियाँ हैं, लेकिन फिर भी मतलब ठंडा सा लग रहा था, और मतलब धूप भी लग रही थी, और मैं ये इधर से उधर भैंस की तरह घूम रही थी। जैसे भैंस को आवारा छोड़ दिया जाए तो वो इधर उधर जाती रहती है, और साथ ही साथ मैं अपने व्यूज़ पास कर रही थी, ये वो ऐसी वैसी बातें कर रही थी जिसकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं आई। दैट्स द रीज़न कि मैंने वीडियो का वॉइस ओवर दोबारा करने की कोशिश की। और यहाँ मैं झूले पे बैठ के भी मुसलसल कमेंट्स पास कर रही हूँ, लेकिन मतलब वही बात के आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मुझे इसको वॉइस ओवर। मुझे इस पार्क में जो है अपने बचपन की बहुत ज़्यादा यादें आ रही हैं। मुझे याद आ रहा है कि कैसे हम बचपन में मतलब घूमने जाते थे। हमारे घर के पास बस एक ही पार्क हुआ करता था जिसमें हम जाया करते थे, और वो हेड था मतलब, तो उसमें जाते थे, उसमें झूले लगे होते थे, और इस तरह से मतलब मैं और मेरी बहन जो वह एक ही झूले पे बैठने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ा करते थे। तो मतलब ऐसे इंसान को टाइम याद आते हैं, और जब आप कहीं ऐसे अकेले आते हो तो आपको अपनी फैमिली बहुत याद आ रही होती है, और आपको मतलब दूसरों के बच्चों और उनके मतलब पेरेंट्स को देख के याद आ रहा होता है कि आप बचपन में इसी तरीके से घुमा फिरा करते थे। अब जो है मुझे घूमते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, और ये आप देख सकते हैं पीछे में जो है वो मार्गला हिल्स है, मतलब ट्रेल 5 का रास्ता जो है वो थोड़ा सा इधर से ही जाता है। तो जो तो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं उनको पता है कि मतलब यही ये जो ट्रेल 5 है वो यहीं से सेक्रेटेरिएट के पास से जाती है, तो मतलब ये भी अच्छा व्यू है। और मैं यहाँ पर बच्चों की तरह पत्तों से खेल रही हूँ, और ये पत्ते बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, लीव्स बिल्कुल जो हम ड्राइंग में लीव्स बनाते हैं बिल्कुल उस तरह के थे, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी इनको टच करके, इनको देख के। और ग्रीनरी जो है वो आपकी आंखों को अच्छा करती है। मैं अब वापस निकलने लगी हूँ घर के लिए, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मतलब अभी भी मैं बिल्कुल प्रॉपरली ठीक नहीं हुई, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं घर जाती हूँ और रेस्ट करती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गला हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मतलब मैंने ऐसे ही बाहर आई थी तो काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कोई व्लॉग बनाना चाहिए। और ये जाते हुए पार्क का जो है वो लास्ट व्यू है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गला हाफिज़, मिलते रहेंगे किसी और व्लॉग किसी और दिन।